आगे मत जाओ ना यार, थोड़ा सा थोड़ा पीछे रहो। हां बोलो। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, इस नामांकन पत्र के साथ में जो एफिडेविट फाइल करना होता है, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे दो ऐसे केसेस जो संज्ञेय और गंभीर अपराधों के चलते दर्ज किए गए, उन दोनों ही केसेस जिनको जिनके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी थी, उन दो केसेस को, तो एक जमीन घोटाले को लेकर के है और दूसरी एक लूट और बलात्कार जैसे यौन हिंसा जैसे संज्ञेय अपराध को लेकर है, उन दोनों केसेस के बारे में उन्होंने जानकारी को अपने एफिडेविट में छुपाया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 ए के तहत कॉग्निजेबल है। हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि इस पर संज्ञान लेकर के वो समुचित कार्रवाई इस दृष्टिकोण से करें।